पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को लालगंज में करेंगे संबोधित। बांसवाड़ा इंटर कॉलेज खेल मैदान लालगंज में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रायबरेली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रायबरेली जनपद के विधानसभा सरेनी क्षेत्र लालगंज बैंसवाड़ा इंटर कॉलेज मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मंगलवार को आगमन हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने आ रहे हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो लालगंज क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ ग्राउंड पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सरेनी विधानसभा सपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे बाबर राजा भी कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूद स्वतंत्र प्रभात संवाददाता संदीप कुमार फिजा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लालगंज क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक ने बताया कि ग्राउंड की जो क्षमता उसके 50% लोगों की आने की इजाजत है। रायबरेली से स्वतंत्र प्रभात संवाददाता संदीप कुमार फिजा ग्राउंड जीरो पर ली। सभा को लेकर यहाँ कार्य चल रहा, जिसका जायजा लेने के लिए स्वतंत्र प्रभात टीम मौके पर पहुंची। पीछे का बैकग्राउंड देखिए किस तरह से मंच सज रहा है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल की डेट में अपने कार्यकर्ताओं के अंदर यहाँ एक नया जोश भरने के लिए आ रहे हैं। वहीं कार्यक्रम का जायजा लेने प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे दिग्गंबर सिंह बाबा राजा यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी करेंगे कार्यक्रम को लेकर आखिर कैसे कार्यक्रम किया जा रहा है और किस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं आगे का क्या। और नमस्ते जी, नमस्ते। ये क्या क्या कार्यक्रम है और क्या होना है इसके लेकर? देखिए, जो आप लोग देख रहे होंगे, आप कैमरा के माध्यम से देख रहे होंगे, कल माननीय हमारे जो नेता जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से, उनका कल यहाँ लालगंज इंटर कॉलेज में आपका प्रोग्राम कल लगा हुआ है। तो कल वो लगभग 10 से 11 के बीच में आएंगे और उसी की पूरी तैयारी और पूरी निरीक्षण करा जा रहा है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स का भी देखा जा रहा है कि अपने लोगों को किसी को तकलीफ ना हो। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरेनी विधानसभा से सपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे बाबा राजा यहाँ मौजूद थे। उनसे कार्यक्रम की हमने जानकारी लगानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव का आगमन रायबरेली की जनपद सरेनी विधानसभा पर होगा, जहाँ पर इनका मंच सजाया जा रहा। वहीं लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह सीओ महिपाल पाठक यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लेते हुए उन्हीं से हम कुछ बातचीत करेंगे जायजा के बारे में कि यहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है ग्राउंड में और यहां कितने लोगों की आने की परमिशन है, कितने लोग यहां मंच पर रहेंगे और हेलीपैड उनका कहाँ पर उतरेगा। जी सर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल आगमन होगा रायबरेली जनपद के सरेनी विधानसभा पर, यहाँ पर कार्यक्रम उनका है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ महिपाल पाठक जी मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड में कितने लोगों की परमिशन है, हेलीपैड कहाँ पे आएगा उनका और क्या क्या जानकारियाँ हैं उनसे हम सर कल कार्यक्रम है उसको लेकर जानकारी आप साझा कर दीजिए। यही ग्राउंड में एक साइड में कोने पर जो है मानक के अनुसार इनको निर्देशित कर दिया गया है, वहीं पर हेलीपैड बनेगा। बाकी इधर साइड में इन लोगों की सभा है, यहीं पर वो आएंगे अपना सभा करेंगे। कल दिन में 1 बजे का उनका प्रोग्राम है। कितने लोगों को परमिशन है इसमें आने के लिए? ये ग्राउंड की जितनी क्षमता है उसकी 50% ही लोगों का आने की क्षमता है। ये पहले से गाइडलाइन जो है चुनाव आयोग का, तो उसमें सीधे बताया गया है कि जितनी क्षमता होगी उसके आधे आदमी ही लोगों को अलाउ किया गया है, क्योंकि इसका परमिशन SDM रिटर्निंग अफसर द्वारा दिया जाता है। जी जी, तो उसी का हम लोग अक्षरशः पालन कराते हैं। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए CO साहब थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी दी कि यहाँ पर जो भी परमिशन होगी वे 50% लोगों को आने की ही परमिशन होगी जनसभा में।